कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद में हमारे साथ में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह राणावत हैं। ये लंबे समय से कांग्रेस के संगठन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और प्रतापगढ़ जिले भर में जो इनका नाम है और जो इनके द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की जो मिसाल पेश की गई है उसी के चलते आज वापस इन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है। हम इनसे बातचीत कर जानना चाहेंगे क्या कुछ खास रहा है और किस तरह से आज जो यहाँ सर्किट हाउस में नए और पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले कांटेल की आवाज़ डिजिटल की ओर से मैं आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके जिलाध्यक्ष पद के और लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रतापगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री जी ने पायलट साहब ने मेरे पे विश्वास जताया और मुझे पुनः वापस जिलाध्यक्ष बनाया। जिस तरीके से जिले वालों ने जो मांग सब प्रभारी को करी थी कि भाई हमारे जिले के अंदर इनको वापस पुनः जिलाध्यक्ष बनाए और वो मांग उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पेश करी और उसी पे उन्होंने निर्णय लेके मुझे पुनः जिलाध्यक्ष बनाया और मेरे साथ मेरी पूरी टीम साथ में है और पूरी टीम लग जाएगी और इस चुनाव के अंदर दोनों सीटें हम निकालेंगे। तो वही विधानसभा क्षेत्र की देखें या प्रतापगढ़ जिले की देखें तो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस बिखरी हुई है, क्या आप इसको मानते हैं? आपको आज लग रहा है कांग्रेस बिखरी हुई नहीं, ये तो आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद में कह सकता हूँ कि पूरी कांग्रेस यहाँ पर एकजुट दिखाई दे रही है, तो आप इस टीम को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ कहने चाहिए? जब आगे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एकजुट है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी एकजुट है, तो यहाँ भी देहात जिला कांग्रेस कमेटी एकजुट रहेगी। तो देखा जाए तो जिलाध्यक्ष जी का कहना है कि वर्तमान में कांग्रेस एकजुट है, अब ये तो आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा किस तरह से कौन एकजुट है। मनोज राठौड़, काटल की आवाज़, प्रतापगढ़।